Good morning, students. After some time, we again gathered for video lecture classes. यहाँ पे कोई भी नया चैप्टर आगे पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, नॉर्मल डेज में 4 चैप्टर्स को पढ़ना होता था, लेकिन जो सिलेबस को रिवाइज किया गया है उसमें एक चैप्टर को कटेल कर दिया गया है ना, और एक और चैप्टर जो है उससे क्वेश्चंस केवल यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में इंक्लूडेड होंगे, उनको आप नोट कर लेंगे। वो है पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड द सेकेंड जो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये दो कंपलसरी सब चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको भी हमें पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन इट इज़ फॉर यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, आज हम इसका डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। ओके, देखिए चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय या ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, तो यूरोप के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का मतलब होता था फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, मतलब एक राष्ट्र को बनाना, एम्पायर था उसकी जगह एक राष्ट्र को बनाना। तो नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था यूरोप में, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता था, इट मेंट चेंज इन पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ में बदलाव आना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना, लोगों की समझ में बदलाव आना, आने का मतलब ये हुआ कि पहले उनकी सोच थी कि वो किसी राजा की प्रजा हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में बदलाव क्या आया, बदलाव ये आया कि वो राजा की प्रजा नहीं है, वो किसी देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो यही है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। दूसरी चीज़ क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब एक सेंस आया कि कलेक्टिवली हम लोग एक देश से बिलोंग करते हैं। न्यू सिंबल्स को अपनाया गया, न्यू आइकन्स को अडॉप्ट किया गया, रीडिफाइंड बाउंड्रीज, बाउंड्री रीडिफाइन हुई, एम्पायर का बाउंड्री डिफाइन नहीं होता है, बट एक नेशन जो होता है उसकी बाउंड्री को क्या किया जाता है, डिफाइन कर लिया जाता है कि एक सर्टेन एरिया में ये बाउंड्री है और इसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो कलेक्टिवली एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट हुआ। बट द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज नॉट ए लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये चीजें ओवरनाइट नहीं हुई, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, जो यूरोप में हुआ। ठीक है, फिर कहता है हाउ डिड दिस कॉन्शसनेस इमर्ज इन इंडिया, तो भारत में ये जागरूकता कैसे आई, भारत में ये जागरूकता कैसे आई, एक गुलाम देश था, वहाँ के लोगों के अंदर ये जागरूकता कैसे आई कि उनका भी अपना एक देश होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट अंग्रेजों से लड़के हुआ। इसीलिए कहा गया है कि भारत के अंदर नेशनलिज्म का मतलब होता था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो कॉलोनियलिज्म हमारे देश में है उसका विरोध करना। अगर कॉलोनियलिज्म का विरोध आप करते हैं तो यू आर ए नेशनलिस्ट। तो भारत के अंदर नेशनलिज्म को किस रूप में डिफाइन किया गया, एज ए
एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये कैसे हुआ? एक यूनिटी का डिस्कवर हुआ, लोगों के अंदर एकता आई। कैसे आई? यूनिटी डिस्कवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनलिज्म। देश के अंदर जितना भी क्लास था, जितना सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, वो अलग अलग बटे थे, लेकिन एक समय आया कि उनके बीच एक यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ। वो कैसे? वो कॉलोनलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल करते करते अलग अलग तरीके से सेपरेटली वो कॉलोनलिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे थे, लेकिन एक समय आया कि उन लोगों ने महसूस किया कि उनका ऑपरेसर सेम है। क्या होता है? लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी क्लास और ग्रुप था उसके ऊपर कॉलोनलिज्म का इफेक्ट डिफरेंट था। किसान के ऊपर कॉलोनलिज्म का इफेक्ट डिफरेंट था, बिजनेस क्लास के ऊपर अलग था, मिडिल क्लास के ऊपर अलग था, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर अलग था, ट्राइबल्स के ऊपर अलग था, है ना? तो कहता है कि ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ड द इफेक्ट ऑफ कॉलोनलिज्म डिफरेंटली। यही कारण है, देयरफॉर द नोशन ऑफ फ्रीडम वाज नॉट ऑलवेज द सेम। यही कारण है कि प्रत्येक ग्रुप या सोशल ग्रुप जो भी था उसके लिए फ्रीडम का नोशन अलग अलग था। फ्रीडम का नोशन का मतलब उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम। वो ऐसा समझते थे कि अगर उनका प्रॉब्लम दूर होता है तो वो आज़ाद है, उनके लिए फ्रीडम आ चुका है, ठीक है? तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी था, डिफरेंट सेक्शंस थे, वो अलग अलग अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उनकी परेशानियां अलग थी, इसीलिए आज़ादी के प्रति उनका विचार भी अलग था। तो ये इंडिविजुअल लड़ाई थी। फिर आगे क्या होता है? महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद ए वन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्या किया? नेशनल मूवमेंट चलाने का काम किया, जिसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को एक नेशनल मूवमेंट में कलेक्ट करने का काम किया, ठीक है? और एक बड़ा नेशनल मूवमेंट चला जिसने आज़ादी के प्रोसेस को आगे चल करके पूरा किया। तो क्या होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है तो बहुत से आगे के चैप्टर्स में आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत से आंदोलन हुए और उस आंदोलन में लोगों का वन बाय वन पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। तो मुख्य रूप से 1920s के बाद जो कुछ भी होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उसके माध्यम से कैसे एक बड़ा मूवमेंट हमारे देश के अंदर चलता है और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैसे ग्रेजुअली उसमें शामिल होती है और वो आज़ादी का डिमांड करती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को जानेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।